Hi guys, welcome to Prep IAS. This is a 3-month free crash course organized by Prep IAS for UPSC Prelims 2021. So as you all know that the course started on 17th March and it will be continuing till 20th June. In this course, we are completely and comprehensively covering the syllabus of UPSC Civil Services Prelims. Along with this, after the course completion, there will be 5 high quality full length mock tests. This whole syllabus is taught by faculties who have experienced in the mains as well as interview. So they have a high experience. Then along with the static portion, we are also discussing dynamic and current affairs. This current affairs portion will be coming shortly for you all guys. This is being preparation stage. Then study material and notes can be downloaded from the Prep IAS channel on Telegram. After every lecture, notes are being updated on the channel. You can download from there. And there is also a doubt clearing session on every Sunday to ensure complete clarity on topics. Like when faculties take the lecture on the scheduled dates, so many students have their doubts. So you can use the Google form which is attached in the description of the video to raise your doubts, and those doubts will be taken up on Sunday by the respective faculties. Then there is also a CSAT included in this course. So you require at least 33% marks in to clear this UPSC Civil Services prelims in CSAT examination. So this is equally important, right? So in lecture 12, so main aapko briefly lecture 12 ka discussion brief introduction de deta hu, kyunki jo aaj ka lecture hai wo lecture 12 ke bina complete nahi ho sakta hai. To lecture 12 jinhone nahi dekha hai wo dekh lena ek baar usko detail mein. बाकी जो नए हैं जो लेक्चर 13 डायरेक्टली देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार लेक्चर 12 को क्विक रिवीजन में फटाफट से इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं. देखो लेक्चर 12 में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट किया था. हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी, कौन सा सिस्टम हम इसको इस्तेमाल करते हैं वो देखा था, एंड आइडियल सिचुएशन क्या रहती है हमने वो देखा था. ठीक है, डीओपी इज बेसिकली ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर. देन हमने बीओपी को एक्सप्लेन करके देखा था, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के फॉर्म्स में. करंट अकाउंट इट इज मर्चेंडाइज अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट, राइट? सो देन उसके बाद हम आए थे आपका कैपिटल अकाउंट. मैंने आपको बताया था कि जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट, ईसीबी, सेल परचेज ऑफ एसेट्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है वो सब आपका कैपिटल अकाउंट कैटेगरी के अंदर आता है. ठीक है, देन हमने नेक्स्ट देखा था कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि बीओपी के साथ एसोसिएटेड है, जैसे ट्रेड अकाउंट बैलेंस, इनविजिबल अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट. देन हमने बीओपी की समरी देखी थी, किस फॉर्मेट में हमारा बीओपी इकोनॉमिक सर्कुलर बजट में आता है. ठीक है, देन हमने देखा था रिजर्व चार्ज, देन वी कम ऑन द ऑटोनॉमस एंड ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शंस, देन वी हैव अंडरस्टूड द अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शंस एंड अकोमोडेटिव बेसिकली ट्रांजेक्शंस. ठीक है, देन इन दो कंसेप्ट के बेसिस पे हमने तीन डेफिनेशंस देखी थी. सबसे पहले बीओपी इक्विलिब्रियम देखा था, देन बीओपी डेफिसिट देखा था हमने, देन हमने बीओपी सरप्लस देखा था. इसी के साथ हमने कुछ इंडिकेटर्स देखे थे जिसके बेसिस पे हम अपनी बीओपी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं. बीओपी सिचुएशन का हम बेसिकली क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री की बीओपी की, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं इन पैरामीटर्स के बेसिस पे. इसमें सबसे पहले हमने देखा था फॉरेक्स रिजर्व्स. फॉरेक्स रिजर्व्स हमने देखा था कितने कौन कौन से, मतलब कितने एडिक्वेट फॉरेक्स हमारे पास होना चाहिए, मतलब इतना फॉरेक्स होना चाहिए कि हम 6 महीने का इम्पोर्ट बिल आसानी से पे कर सकें. देन हमने देखा था करंट अकाउंट बैलेंस. करंट अकाउंट बैलेंस में जो हमने देखा था इट इज अराउंड समवेयर लगभग 1.2% ऑफ जीडीपी के आसपास है. जो करंट अकाउंट डेफिसिट का, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का जो कंफर्ट जोन है वो है लेस देन 2-3% ऑफ जीडीपी. फिर हमने देखा था वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल डेब्ट स्टेटिस्टिक्स पब्लिश करता है एवरी ईयर, उसमें इंडिया की रैंक 5th या 6th रैंक है. ठीक है, और इंडिया जो कैटेगराइज है वो है लेस इनडेप्टेड कंट्री कैटेगरी में, ये आप लोग याद रखना. ठीक है, देन हमने डेप्ट देखा था. डेप्ट हम किसी भी कंट्री का जब हम डेप्ट देखते हैं तो उसमें दो चीजें देखी थी, लॉन्ग टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट. देन हमने देखा था कौन सा फायदेमंद है और इंडिया की क्या सिचुएशन है. देन सोर्सेज ऑफ डेप्ट देखे थे हमने, क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है, इंडिया की डेप्ट के. देन हमने करंसी कंपोजिशन ऑफ डेप्ट देखा था कि डॉलर कितना परसेंट है, INR कितना परसेंट है, SDR कितना परसेंट है, जापानीज येन कितना परसेंट है. SDR मैंने आप लोगों को बताया था कि IMF में हर कंट्री को अपने कोटे के हिसाब से 75% का जो कोटा है वो अपनी करेंसी में डिपॉजिट कराना पड़ता है, और 25% उसको 5 मोस्ट डिमांडेड करेंसीज में डिपॉजिट कराना पड़ता है, जो कि डॉलर, पाउंड, रेनमिनबी, यूरो एंड आपका येन है. ठीक है, डॉलर, पाउंड, येन, रेनमिनबी एंड यूरो. ठीक है, देन हमने डेप्ट सर्विस रेशियो देखा था.
देन हमने कंपोजिशन ऑफ कैपिटल फ्लोज देखे थे, ठीक है। तो अब हम फॉरेक्स रिजर्व्स, मैंने आप लोगों को बता दिया था, हार्ड करेंसीज ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो हमारे फॉरेन करेंसी है, तो अच्छा ये नहीं बताया था शायद मैंने आप लोगों को, यहाँ तक हमने किया था कंपोजिशन ऑफ कैपिटल फ्लोज तक, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉरेक्स रिजर्व से। दिस इज योर लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 13, डेट क्या है 7 अप्रैल, राइट। सो यहाँ से आप लोग देखो कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग आपका 540 बिलियन के आसपास है। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। जो ये 540 बिलियन है, इसमें जो हमारी हार्ड करेंसीज है, हार्ड करेंसीज मतलब जो करेंसीज मोस्ट डिमांडिंग है, मतलब जो आपका ग्लोबल ट्रेड चल रहा है, जो आपका ग्लोबल ट्रेड चल रहा है वो इन करेंसी की डिमांड पे चल रहा है, इन करेंसी के बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ हार्ड करेंसीज, ठीक है। दीज आर यूएस डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, रेनमिनबी एसेट्रा, ठीक है। मतलब जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जिन 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 पे जिनकी एसेप्टेबिलिटी क्या है, इनका सेकंड पॉइंट है एसेप्टेबिलिटी, एसेप्टेबिलिटी, राइट। आप कभी आपने सोचा कि यूएस के सैंक्शंस जो लगते हैं, जो अभी रिसेंटली ईरान पे लगाया था, देन आपका नॉर्थ कोरिया पे लगाया था, ये क्यों वैल्यू रखता है, वाई वाई यूएस ने सैंक्शन लगाया ईरान पे, इंडिया पे फर्क पड़ा, क्यों? क्योंकि जो भी ग्लोबल ट्रेड होती है वो यूएस डॉलर के बेसिस पे होती है। तो अगर जिस कंट्री का ये लोकल करेंसी है यूएस की, अगर वो सैंक्शन लगा देगी, तो वो कंट्री उस कंट्री के साथ कोई दूसरी कंट्री डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकती है। और अब इंडिया ईरान की बात करो, आप लोग इंडिया ईरान की बात करो, भाई ईरान ने क्या करा, ऑयल भेजा, ठीक है। इंडिया किस में पे करेगी, डॉलर में पे करेगी, रुपीज में क्यों पे नहीं करती, ईरान को भी तो आगे अपना इंपोर्ट बिल पे करना है ना। सपोज ईरान को यूके को अपना बिल पे करना है, तो वो रुपीज में थोड़ी ना करेगी, उसको तो डॉलर में ही पे करना है ना। तो वो इंडिया से क्या मांगेगी, डॉलर मांगेगी कि मुझे डॉलर दो, क्योंकि मुझे आगे इंग्लैंड को डॉलर देने हैं, मैं आपके रुपीज का क्या करूंगा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट चलता है कि जो करेंसी सबसे ज्यादा डिमांडिंग में होती है, ठीक है, वो कंट्री पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा पावर एम्पावर्ड होती है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। सो दीज हार्ड करेंसीज आर मोस्ट डिमांडिंग, स्टेबल, एसेप्टेबिलिटी, एसेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इनकी, इसको बोलते हैं हार्ड करेंसीज। तो ये जो हार्ड करेंसीज का कंपोजिशन है हमारे फॉरेक्स में, वो लगभग 90% के आसपास है, ठीक है। देन वी हैव गोल्ड, गोल्ड लगभग 5% के आसपास है, एसडीआर हमारा लगभग 2% के आसपास है। SDR and reserve trench position. SDR मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस इज विद IMF. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, दिस इज द मनी कैप्ड बाय RBI विद IMF. ठीक है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इज द मनी कैप्ड बाय RBI विद IMF, इज द रिजर्व ट्रेंच पोजीशन ऑफ एनी कंट्री विद IMF. ठीक है, यानी जो भी मनी आरबीआई IMF के पास डिपॉजिट करता है, RBI मतलब सेंट्रल बैंक, जो भी IMF के मेंबर है ना, उन उन कंट्री उन मेंबर्स के जो सेंट्रल बैंक हैं, उनको IMF के पास अपना पैसा कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है। जैसे जो हमारे बैंक्स हैं SBI, जितने भी हमारे बैंक्स हैं, SBI हो गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, उन सबको अपना कुछ CRR, कैश रिजर्व रेशियो, RBI के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। ऐसी RBI को अपना कुछ परसेंट ऑफ रिजर्व IMF के पास रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। तो याद रखना, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन IMF के पास मेंटेन्ड होता है, और SDR भी आपका IMF के पास ही मेंटेन्ड होता है, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज इन फॉरेक्स, फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फॉरेन एक्सचेंज, जब हम विदेशी मुद्रा की बात करेंगे, तो हम जब बात करेंगे, या फिर खाता भी बोल सकते हैं, विदेशी रिजर्व मतलब विदेशी खाता, ठीक है, इसे बोलते हैं फॉरेन रिजर्व्स। ये हम ऑलरेडी हिंदी में बात कर चुके हैं, मैं साथ ही साथ में आप लोगों को हिंदी भी इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब देखो, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा बैलेंस करके चलना,
मैं दोनों लैंग्वेज में एक साथ नहीं पढ़ा सकता हूँ, बट जितना पॉसिबल हो पा रहा है जो ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स हैं मैं उनको हिंदी में भी यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदी इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस बीओपी इफेक्ट ना, दिस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। देखो फॉरेक्स दो तरीके से चेंज हो सकता है, पहला हो सकता है बैलेंस, बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 12 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इफ देयर इज चेंज इन हार्ड करेंसीज गोल्ड एसडीआर देन देयर विल बी चेंज इन द फॉरेक्स, ठीक है। जो हमने कंपोजिशन देखा यहाँ पे, हमने कंपोजिशन देखा, जब इसकी कंपोजिशन में चेंज होगा, हार्ड करेंसीज 85% हो गई, ठीक है, गोल्ड बढ़ के 10% चला गया, ठीक है, मतलब आपका जो हार्ड करेंसीज है वो 85% चली गई, गोल्ड 5% से 10% चला गया। तो व्हेन देयर इज चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ हार्ड करेंसीज गोल्ड एसडीआर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन रिजर्व ना, देन देयर इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेक्स, राइट, दिस इज नोन एज द बीओपी इफेक्ट। नाउ व्हेन देयर इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ दोस कंपोनेंट्स, सपोज डॉलर की वैल्यू में चेंज हो गया, देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ डॉलर, देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ पाउंड, देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ येन, ठीक है, there is a change in the value of SDR, then उस चीज में जो valuation का जो फर्क पड़ता है, उस valuation का फर्क हमारे reserves पे भी पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है रुपीस के मुकाबले डॉलर की वैल्यू हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसी आपकी पाउंड की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो ये जब चेंज इन वैल्यू ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फॉरन रिजर्व, दैट इज नोन एज द वैल्यूएशन इफेक्ट। While when there is a change in the composition of the components of foreign reserves, that is known as the BOP effect. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं हिंदी में, जब भी आपका foreign reserves यानी विदेशी खाते के जो सूचकांक है, जब उनमें बदलाव होता है, सूचकांक में जब बदलाव होता है, उनके प्रतिशत में बदलाव होता है, तब उसको बोलते हैं BOP effect. और जब उनकी लागत में या फिर उनकी जो मूल्य है या फिर जो उनकी वैल्यू है उनमें चेंज होता है, देन दैट इज नोन एज द वैल्यूएशन इफेक्ट। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे जो हमारी हार्ड करेंसी करंटली है वो 90% है, अगर ये घट के 85% हो गई और जो सोना है वो 5% से बढ़ के आपका 10% हो गया, तो इस कारण की वजह से फॉरेक्स रिजर्व में चेंज आएगा ना, दैट इज नोन एज द बीओपी इफेक्ट। और जबकि जो इन कंपोनेंट्स हैं डॉलर गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है, येन यूरो पाउंड्स, जब इनमें बदलाव आएगा ना, तो दैट इज नोन एज द वैल्यूएशन इफेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, एग्जांपल देके मैंने इसलिए आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सोवरन वेल्थ फंड, सोवरन वेल्थ फंड भी मैंने आपको नहीं बताया था, सोवरन वेल्थ फंड बेसिकली होता है जब किसी भी सेंट्रल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, तो दो ऑप्शन है, एक तो उसको होल्ड करके रखो, उसको अपने पास रखे रखो, या फिर उसको इन्वेस्ट कर दो बाहर कहीं, ठीक है। तो अगर आप होल्ड करके रखोगे तो हमने लेक्चर 12 में एक रिजर्व चार्ज की बात की थी, है ना, रिजर्व चार्ज की बात की थी, तो रिजर्व चार्ज इंक्रीज हो जाएगा ना, रिजर्व चार्ज जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा हमारा, दैट विल लीड टू द कंडीशन ऑफ बीओपी डेफिसिट, है ना, बात करी थी ना हमने ऑटोनॉमस एंड ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन की, सॉरी अकोमोडेटिव, ऑटोनॉमस को ऑटोमेटिक बोलते हैं, अकोमोडेटिव, ठीक है, ट्रांजेक्शन की हमने बात की थी ना, तो जब हमारा रिजर्व चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा एकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो जाएंगे ना, एकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, जब एकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन ऑटोनॉमस यानी ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी वहां पे, बीओपी डेफिसिट बनेगी, नहीं बनेगी, हमने यहाँ पे देखा था, आप लोग दोबारा से देखो इस चीज को, जब बीओपी डेफिसिट क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स एकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन इज ग्रेटर देन ए, what is accommodative transaction, accommodative transaction is reserve charge value, ठीक है, reserve charge value, right,
तो यहाँ पे जब इस कंडीशन में क्या होगा, होल्ड करके रखोगे तो रिजर्व चार्ज इंक्रीज होगा, इन्वेस्ट कर दोगे तो यहाँ से आप रिटर्न अर्न करोगे, रिटर्न आएगा कंट्री में, रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा कंट्री में, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सोवरन वेल्थ फंड। मतलब अगर इंडिया के पास 540 बिलियन का फॉरेक्स रखा है, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा, 100 बिलियन हम यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड दैट इज नोन एज SWF। व्हाट इज दैट, दैट इज नोन एज SWF, दैट इज सॉवरन वेल्थ फंड, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। रिसेंटली लास्ट ईयर का जो बजट था 2019-20 का, उसमें बजट में प्रपोज किया गया था, बजट में प्रपोज किया गया था हम सॉवरन वेल्थ फंड लाएंगे। अभी तक इंडिया में सॉवरन वेल्थ फंड नहीं है, इंडिया में नहीं है, तो अभी ये बजट 2019-20 में प्रपोज किया गया था कि हम सॉवरन वेल्थ फंड को लेके आएंगे, ठीक है। अभी आया नहीं है, आ जाएगा। सो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सॉवरन वेल्थ फंड होता है जब हम एक्सेस फॉरेक्स रिजर्व्स को गवर्नमेंट किसी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, दैट इज नोन एज द कंडीशन ऑफ सॉवरन वेल्थ फंड। द वर्ड इज लिक्विड, लिक्विड मतलब हम जब चाहे उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हमको ऐसा नहीं है कि 10 साल वेट करना पड़ेगा उसको कैश कराने के लिए, नहीं, हम जब चाहे, जब वो बॉन्ड को हम इजिली यानी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। वाई शॉर्ट टर्म बताओ, वाई शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लेंगे तो भाई इन्वेस्टर ने मांग लिया कि मेरे पैसे वापस दो, तो कहां से दोगे फिर, गवर्नमेंट कहां से देगी, और जब गवर्नमेंट वापस नहीं दे पाएगी तो क्या होगा, उसकी क्रेडिट रेटिंग बेकार होगी, नहीं होगी, क्रेडिट रेटिंग पे इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा। तो दिस इज नोन एज योर द कंसेप्ट ऑफ सोवरन वेल्थ फंड, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज सोवरन वेल्थ फंड, राइट। देन कम्स योर एक्सचेंज रेट सिस्टम, दैट इज टू टाइप्स, फिक्स्ड और पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड नेक्स्ट इज योर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट फिक्स्ड और पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ना, देन ये दो देखो टाइप्स हमारे और भी हैं, जो मेजर टाइप्स हैं, जो मेजर कैटेगरीज हैं, ये हैं फिक्स्ड और पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस फिक्स्ड एंड पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ना, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा। देखो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, पहले ये समझो। एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टमैटिक मैनर और एक्सचेंज रेट ऑफ टू करेंसीज। मतलब अगर मुझे एक रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कराना है तो किस रेट पे होगा, मतलब एक डॉलर में 70 रुपए, ठीक है, ऐसे रेट चलता है, एक डॉलर दोगे तो 70 रुपए मिलेंगे आपको। सो दिस इज नोन एज एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये जो एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू डिसाइड होती है ना, एक डॉलर में कितना आएंगे, दो डॉलर में कितना आएंगे, ठीक है, ये कुछ सिस्टमेटिक मैनर में होती है, इनके कुछ सिस्टम डिफाइंड है, ठीक है, हम वो सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा फिक्स्ड और पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हियर इट्स फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। मतलब अपनी रुपीस की क्या वैल्यू रहेगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ये जो फिक्स रखेगा वो हमारा सेंट्रल बैंक फिक्स करेगा, ठीक है। हियर द कंपोनेंट इज डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन। दूसरा होता है आपका फ्लोटिंग और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, सॉरी दिस इज नॉट फ्लोटिंग एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। यहाँ पे एक्सचेंज रेट कौन फिक्स कर रहा है, सेंट्रल बैंक फिक्स कर रहा है अपनी डोमेस्टिक करेंसी के लिए, और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है, मतलब सेंट्रल बैंक का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, डिमांड क्या है उस करेंसी की और सप्लाई क्या है उस करेंसी की, उसके बेसिस पे ही आपकी उसके बेसिस पे ही आपका ये एक्सचेंज रेट सिस्टम डिसाइड होता है, ठीक है। Then comes your also called as interbank forex market. Interbank forex market की जब हम बात करेंगे, इसको interbank forex market rate system भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चल रहा है, किसी भी सरकार, किसी भी कंट्री की, किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, ये टोटली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलता है। और इसके टूल्स होते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, जबकि फिक्स वालों के टूल होते हैं डीवेल्युएशन एंड रीवेल्युएशन, ठीक है।
ये क्या होती है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो डीवैल्यूएशन क्या होता है आपका, डीवैल्यूएशन होता है आपका जब कोई भी गवर्नमेंट, मतलब जब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को मतलब डेप्रिसिएट करती है जानबूझ के बाय सेंट्रल बैंक इंटेंशनली। ठीक है, इंटेंशनली मतलब अगर एक डॉलर की वैल्यू थी आपकी 68 रुपीज, डेप्रिशिएट मतलब समझ लो यहाँ पे एक डॉलर की वैल्यू थी 68 रुपीज, डिवेल्युएशन करके वैल्यू हो जाएगी उसकी 72, मतलब 68 से ज्यादा ही होगी इसमें। ठीक है, ये सरकार ने अपनी मर्जी से किया है, मार्केट के बेसिस पे नहीं हुआ है। डिवेल्युएशन में इंटेंशनली वैल्यू को इंक्रीज किया गया है, दैट इज नोन एज डिवेल्युएशन। वाइल इन रिवेल्युएशन द वैल्यू विल डिक्रीज, हेयर द वैल्यू इज ₹68 ओरिजिनल, व्हेन वी रिवैल्यूएट इट ना, इट विल ऑटोमेटिकली मतलब 68 से कम हो जाएगी वैल्यू, कुछ भी हो तो भी बैंक को रखनी है 67, 66, 60, 52, 54, ठीक है, कुछ भी वैल्यू बैंक को अपनी मर्जी से इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिसाइड कर लेता है। तो दिस इज नोन एज डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, डीवैल्यूएशन मतलब होता है जब बैंक, सेंट्रल बैंक जो है इंटेंशनली अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट करता है, यानी उसकी वैल्यू को गिराता है। ठीक है, वैल्यू गिराना मतलब होता है, यह समझ समझ ना कि 68 से कम वैल्यू गिर गई, नहीं, वैल्यू गिराना मतलब उस मनी के वैल्यू को बढ़ा देना। ठीक है, मतलब 68 से 72 कर देना, 73, 74, 75, 76। ठीक है, जैसे हमने इन्फ्लेशन वाले कंसेप्ट में देखा था ना, इन्फ्लेशन अगर होता है तो मनी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज हो जाती है, बट न्यूमेरिकल तो बढ़ता है, न्यूमेरिकली तो इंक्रीज होती है ना, न्यूमेरिकली तो इंक्रीज होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है पर न्यूमेरिकली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वैल्यू तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, 68 से 72 हो रही है, बट न्यूमेरिकली ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये बहुत कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज होता था और नॉर्मली 80% बच्चा कंफ्यूज होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। वैल्यू को डीवैल्यूएट करने का मतलब होता है हम उसकी वैल्यू को घटा रहे हैं पर न्यूमेरिकली वो बढ़ रही है। ठीक है, देन आपका इंडिया में डीवैल्यूएशन आरबीआई के द्वारा 3 टाइम किया गया है, 1949, 1966, 1991। ठीक है, 1949 बिकॉज उस टाइम पे पार्टीशन हुआ था तो रिफ्यूजीज बहुत सारे थे, उनको सेटअप करने के लिए इंडिया नई कंट्री थी तो उसको इसकी जरूरत पड़ी। 1966 में हमारा वॉर हुआ था, देन इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, 1991 में हमारे बीओपी क्राइसिस आए थे। बीओपी क्राइसिस क्या थे अभी हम आगे बात करेंगे, और डीवैल्यूएशन कंट्री क्यों करती है ये भी हम आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, रिवैल्यूएशन का मतलब समझ में आ गया। देन कम्स एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है आपका, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो होते हैं ना सेम चीज है, सेम डेफिनेशन है, बट ये ऑटोमेटिकली होते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, इसमें सेंट्रल बैंक का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ऑटोमेटिकली होते हैं आपके। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होते हैं आपके, ये इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। राइट, क्लियर है पॉइंट आपको? ठीक है, इसमें डिवेल्यूएशन एंड रिवेल्यूएशन में आपका गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, और यहाँ पे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, ये टोटली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करता है। क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई पे, डिमांड एंड सप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू पे, वो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा। देखो सिंपल सा फंडा समझो, बहुत सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये प्रीलिम्स फैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डॉलर की वैल्यू, मतलब डॉलर का इनफ्लो यानी डॉलर की अवेलेबिलिटी, यानी डॉलर का हमारी कंट्री में फ्लो बहुत तेज हो गया है, मतलब काफी ज्यादा डॉलर हमारी कंट्री में आ रहा है, तो इसका क्या होगा, इसका क्या मतलब है, सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज होगा। सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज होगा ना, जब सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ डॉलर डिक्रीज होगा, नहीं होगा? ठीक है, डिमांड ऑफ डिक्रीज भाई, सप्लाई तब जब इंक्रीज हो अगर डिमांड इंक्रीज हो। अब डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है पर सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है, तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी ना। जब डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी तो रुपीस की वैल्यू अप्रिसिएट होगी या नहीं होगी,
दुबई से सोचो, यहां से जब डॉलर क्या जो सप्लाई है वो डिमांड से ज्यादा है, सिंपल सा इतना समझो। मैं आपको फ्रेश उसमें समझा देता हूँ एक बार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये सारा। देखो फ्रेश पेज ले लिया मैंने आप लोगों के लिए, यहां से एक चीज समझो आप लोग कि जब किसी भी करेंसी की, ठीक है, सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो वो हमेशा डेप्रिशिएट होगी, और उसकी अपोजिट करेंसी आपकी अप्रिशिएट होगी ऑटोमेटिकली। दैट मींस अगर आपका डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है तो रुपीज के टर्म्स में रुपीज अप्रिशिएट होगा, नहीं होगा? ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक चीज डेप्रिशिएट हो रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 1 डॉलर में 68 रुपीज थे, वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई तो करेंसी खुद हमारी हम वो नहीं हो जाएगी, मतलब डेप्रिशिएशन मतलब अब 0.8 डॉलर में आपका 68 रुपीज होगा, ठीक है? तो ये वैल्यू भले ही सेम रही पर हमारी इसके मुकाबले तो एप्रिसिएशन आ गया ना, इसके मुकाबले तो एप्रिसिएशन आ गया ना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हेन द किसी भी करेंसी की जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जब किसी भी करेंसी की जब आपकी सप्लाई से ज्यादा डिमांड होती है ना, दैट इज नॉट, दैट इज लीड टू डेप्रिसिएशन, एंड अपोजिट करेंसी ऑलवेज एप्रिशिएट, ठीक है, अपोजिट करेंसी ऑलवेज एप्रिशिएट, राइट, क्लियर है यहां से? ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है ये पॉइंट। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको याद रखना, नहीं समझ में आया तो दोबारा से गूगल फॉर्म में डाल देना, मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, दोबारा से संडे को और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इस चीज को, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिवेल्युएशन, या वाई एनी कंट्री डिवेल्यू और डेप्रिसिएट्स द करेंसी, ठीक है, वाई। देन यहां से समझो, सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहेगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, एक्सपोर्ट्स क्यों इंक्रीज होंगे, चीपर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में, पहले एक पर्सन ए है जो यूएस में रह रहा है, ठीक है, पर्सन बी है इंडिया में रह रहा है, ठीक है, ये पेन बेच रहा है बेसिकली, एक पेन की कीमत है 12 रुपए, ठीक है, और इस टाइम 1 डॉलर 60 रुपए का है, यहां पे आ जाओ, ठीक है, 1 डॉलर आपका 60 रुपए का है, ठीक है, एक बंदा है यूएस बी से आपका खरीद रहा है, ठीक है, परचेज कर रहा है, ठीक है, तो ए को कितने पीसेस मिलेंगे 1 डॉलर में, 5 पीसेस मिलेंगे, 60/12, 5 पीसेस मिलेंगे। अब करेंसी आपकी डीवेल्युएट हो गई, डीवेल्युएट हो गई, या फिर आप बोलो डेप्रिशिएट हो गई, डीवेल्युएशन और डेप्रिशिएट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, तो अब जो वैल्यू हो गई 1 डॉलर की 72 रुपए हो गई, 72 रुपीज हो गई। अभी क्या था आपकी, 1 डॉलर की वैल्यू कितनी थी, 60 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 72 हो गई, तो अब ए को कितने पीसेस मिलेंगे, 72/12, 6 पीसेस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे 1 डॉलर में, पहले 1 डॉलर में 5 पीसेस मिल रहे थे, अब 1 डॉलर में कितने मिल रहे हैं, 6 पीसेस मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, लेन देन तो मिलियन डॉलर की होती है ना, तो समझ जाओ, इसलिए हमारे कंट्री से खरीदना सस्ता हो जाएगा उसके लिए, तो इसलिए क्या होगा, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इंपोर्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि उनको इंपोर्ट क्यों, अब मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, आप लोग मेरे को बताओ इंपोर्ट क्यों डिक्रीज हो जाएंगे, व्हाई, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल एक ऐसी ही एग्जांपल लेना, खुद उसको दिमाग लगाना, खुद सोचना कि इंपोर्ट क्यों महंगे हो जाएंगे, बिकॉज मैं हिंट दे रहा हूं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे इंपोर्ट करना, व्हाई, दिस इज वॉट यू हैव टू टेल इन कमेंट। बिल्कुल सेम ऐसी कंसेप्ट को एग्जाम्पल लेके एग्जाम सॉल्व करना इस चीज को। देन इनवर्ड फॉरन रेमिटेंसिस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फॉरन रेमिटेंस क्या होता है,
जो दूसरी कंट्री से जो इंडियंस रह रहे हैं, इंडियंस फ्रॉम एब्रॉड इंडिया में पैसा भेजते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, तो वो किस में भेजेंगे, डॉलर्स में भेजेंगे, ना कि वो रुपीस में कन्वर्ट होगा, वो डॉलर में वेस्टर्न यूनियन को जब जमा करेंगे, वेस्टर्न यूनियन से इंडिया में वो रुपीस में हमको मिलेंगे, ठीक है। तो पहले उनको, उसने सपोज $1 डिपॉजिट करे, ठीक है, तो पहले उसको 60 रुपीज मिल रहे थे, अब करेंसी डिवेल्युएट हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, तो अब उसको $1 की जगह उसकी फैमिली मेंबर को कितने रुपीज मिलेंगे, 72 रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो इनवर्ड रेमिटेंसेस इंक्रीज होगा नहीं होगा, इसी तरह से टूरिज्म बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना टूरिज्म, और जब आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, इंपोर्ट डिक्रीज हो रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज होगा या नहीं होगा, हमने दोनों चीज पढ़ ली है, ट्रेड डेफिसिट भी पढ़ लिया है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी पढ़ लिया है, तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा कुछ सोचो, और इंपोर्ट डिक्रीज होगा तो ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज होगा या नहीं होगा, क्या होता है ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। हेयर जब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट घट रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट घट रहा है, तो मेरे को बताओ ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो करंट अकाउंट डेफिसिट का भी सेम कंसेप्ट होता है, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस ट्रांसफर रिसिप्ट्स, ये मैंने आप लोगों को बताया था। कैट क्या होता है आपको, कैट क्या होता है, व्हाट इज कैट, कैट इज एक्सपोर्ट ऑफ करेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर रिसिप्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। तो कैट भी हमारा आपका क्या होगा, यहां से डिक्रीज होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इंपोर्ट्स की वैल्यू घट रही है, क्लियर है ना। और बीओपी की वैल्यू, बीओपी स्ट्रांग होगा या नहीं होगा, वाई, माय पॉइंट इज वाई, वाई वाई बीओपी स्ट्रांग होगा, बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जब फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, जब फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज होंगे तो बीओपी स्ट्रांग होगा ना। तो भाई एक बात बताओ, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है तो फॉरेन करेंसी का क्रेडिट होगा नहीं होगा इंडिया में, दोबारा से सुनो, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, अगर मैंने ये पेन बेचा, मतलब बी ने ये पेन ए को बेचा, तो रिटर्न में क्या मिला, डॉलर में मिला, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर का वैल्यू बढ़े, डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे तो बीओपी सिचुएशन स्ट्रांग होगी या नहीं होगी, खुद सोचो इस चीज को, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो गूगल फॉर्म में डाल देना, संडे को डिस्कस करेंगे उसको फिर, ठीक है। तो भाई अब ये समझ में आ गया होगा आई होप कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। देन कम्स योर डिसएडवांटेज, जब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे, रिजर्व चार्ज इंक्रीज होगा या नहीं होगा, एकोमोडेटिव क्या बोलेंगे इसको, एकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन, एकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन इंक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा ना, इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व हमारी कंट्री में आता है उतना ही उसके अगेंस्ट उतने ही रुपीस हमें प्रिंट करने पड़ते हैं, जब प्रिंट करने पड़ते हैं हमें तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। याद रखना, इस फॉरेन रिजर्व यानी फॉरेन फॉरेन शॉक से बचाने के लिए एक स्टरलाइल इफेक्ट, स्टेरिलिटी इफेक्ट बोलते हैं आरबीआई का, स्टेरिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितनी भी फॉरेन करेंसी है, जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आता है उतना ही हमें रुपीज प्रिंट करना पड़ता है, ताकि हम रुपीज को उस फॉरेन करेंसी के साथ बैलेंस कर सकें, अदरवाइज रुपीज बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा, रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी, और इस एक्सेसिव रुपीज प्रिंटिंग की वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है दैट कॉजेज इन्फ्लेशन, दैट कॉजेज इन्फ्लेशन, ठीक है। दैट सो दिस इंक्रीज इन फॉरेक्स विल लीड टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल अगेन लीड टू इन्फ्लेशनरी मेजर्स, ठीक है। अल्टीमेटली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा, व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है जब रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, जब रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है तो फाइनल गुड की भी कॉस्ट बढ़ जाती है, फाइनल गुड की भी कॉस्ट बढ़ जाती है, दिस इज नोन एज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमने यहाँ पे देखा था
इम्पोर्ट रिड्यूस होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे वो महंगे हो जाएंगे, आप लोगों को बताना है महंगे क्यों होंगे, तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। देन कम्स एक्सटर्नल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट इंक्रीज होगा या नहीं होगा आपका? होगा ना, दिस इज नोन एज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देन कम्स योर टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सटर्नल डेप्ट इंक्रीज होगा या नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जो जो आपके रिजर्व्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, उसको रिपे भी तो कर, उसको बाहर भी तो देना पड़ेगा ना, ठीक है? देन दैट इज नोन एज एक्सटर्नल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा ना। देन कम्स योर टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है? तो हमारे क्या है, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स चीपर है, राइट? इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, तो अल्टीमेटली टर्म्स ऑफ ट्रेड डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा? डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा? फॉर्मूले से खुद देख लो, प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कम है, प्राइस इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट्स ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, टर्म्स ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड आपका डेप्रिशिएट होगा, ठीक है? अब आप मेरे को ये बताओ, मेरे को एक चीज ये बताओ आप लोग कि मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न इंडिया के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप लोग मेरे को एक चीज कमेंट करके बताओ, मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है? देन कम्स योर ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज? भाई ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट्स कम है, तो एक्सपोर्ट्स में हमारा मटेरियल सस्ता हो जाएगा, इसलिए हमसे लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है? जब वो हमसे ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, दैट मींस जो उस रिसोर्स, जो हमारे एक्सपोर्ट्स बनाने में जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, वो उन ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आप मेरे को बताओगे मॉडर्न इंडिया के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा पॉजिटिव, मतलब इंडिया के फेवर में था या इंडिया के नेगेटिव था, ठीक है? समझ में आ गया पॉइंट, टर्म्स ऑफ ट्रेड। देन एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करना, चाइना ने जब हमारे सबप्राइम क्राइसिस हुआ था 2009 में, ठीक है, उसके बाद से डिवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया था। उससे क्या हुआ था, देयर इज नेगेटिव इंपैक्ट, देयर इज नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडिया एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन यूएसए। व्हाई? ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा इंडिया का? जब चाइना ने डिवैल्यूएशन करना चालू करा, तो उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा ना, क्यों? प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, तो इंडिया में उसका इंपोर्ट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? इंपोर्ट इंक्रीज होगा, नहीं होगा इन इंडिया, ठीक है? इंडिया में इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहे हैं, तो भी होगा या नहीं ट्रेड डेफिसिट? इनफैक्ट जो दूसरी कंट्री है, जो कंट्री पहले इंडिया से खरीद रही थी, वो चाइना से खरीदेंगी, तो उस केस में भी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट तो और ज्यादा खराब होगा। सेकेंडली, जो मेन सबप्राइम क्राइसिस थे वो यूएसए से ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है? तो इट्स रिसेशन बिकेम डिफिकल्ट एज बैड इम्पैक्ट ऑन यूएसए डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो यहाँ से एक चीज समझो, रिकवरी, अब ऑलरेडी यूएस का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा रहा है भाई, चाइना बढ़ा रहा है, तो वो इस रिसेशन पीरियड से कैसे बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा इस चीज को, जब वो ट्रेड डेफिसिट चाइना यूएसए का ऑलरेडी बढ़ा रहा है, तो रिसेशन से बाहर कैसे आ पाएगा? तो इससे क्या होगा, यूएसए की डोमेस्टिक इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सो दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ डीवैल्यूएशन, ठीक है? देन हमारा थर्ड टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम आता है, वाइडर बैंक एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है ना, ये एक्सचेंज रेट का बैंड फिक्स कर देता है, ठीक है? इसने फिक्स कर दिया भाई 65 से 60 के बीच में, इसके बीच में हम फ्लक्चुएट होने देंगे रुपीस को। अगर ये इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है, तो फिर हम फिक्स एक्सचेंज रेट पे आ जाएंगे। फिर किस पे आ जाएंगे हम लोग, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे आ जाएंगे, ठीक है? समझ में आ गया, दिस इज अगेन रिलेटेड टू फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में बस एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, और इस वाले सिस्टम में एक बैंड फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बीच में करेंसी को फ्लक्चुएट होने देते हैं, और जैसे ही इसके ऊपर या नीचे जाती है, आपकी ये एक्सचेंज रेट बैंड, आपका एक्सचेंज रेट बैंड के बाहर या ऊपर या बाहर जाएगी, तो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम लागू कर देंगे। देन कम्स योर क्रॉलिंग और पैग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो देखो, यहाँ तो जो बैंड था वो बैंड फिक्स था,
और यहाँ पे पीरियोडिकली बैंड भी रिवाइज होता रहता है, पीरियोडिकली बैंड भी रिवाइज होता रहता है, ठीक है। दिस इज ईआर बैंड बाय सेंट्रल बैंक, पीरियोडिकली रिवाइज, इट इज पीरियोडिकली रिवाइज्ड, क्रॉलिंग और पैक्ड ईआरएस इज कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक आपका पीरियोडिकली रिवाइज होता रहता है, इस बैंड को रिवाइज करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो बैंड है ये फिक्स रहता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जबकि इसको पीरियोडिकली रिवाइज करते रहते हैं, दिस इज नोन एज क्रॉलिंग और पैक्ड ईआरएस, दैट इज योर एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको चाइना इस्तेमाल करता है बेसिकली, ठीक है। देन कम्स योर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको डर्टी फ्लोट भी बोला जाता है, ठीक है। पहले समझो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट है ना वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू इंटरवेंशन ऑफ बैंक इंटरवेंशन, मतलब ऐसा नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे तो डिटरमाइन हो रहा है, पर जब एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना, यानी अगर वैल्यू ज्यादा एप्रिशिएट हो रही है या फिर ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, तब सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता है, तब सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता है। मतलब सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं, सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करेगा, फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलता है, एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो उस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को एक लिमिट में मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन में सेंट्रल बैंक मार्केट सिस्टम में इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम और डर्टी फ्लोट। 1993 में इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है, 1993 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था, जब हम आगे देखेंगे कि इंडिया ने कब और कैसे किया था। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये डर्टी फ्लोट क्यों कहा जाता है इसको, देखो दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से, हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से इट इज अ मैनेज्ड सिस्टम कि हम डिमांड एंड सप्लाई पे करेंसी को फ्लक्चुएट होने दे रहे हैं, बट एक लिमिट तक, अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है जिससे हमारी इकोनॉमी पे ज्यादा फर्क पड़ने लगता है, देन उस केस में आपका सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता है मार्केट सिस्टम में, और जब सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता है तो दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से ये डर्टी सिस्टम हो जाता है कि भाई आपने कह तो रखा है कि डिमांड एंड सप्लाई पे, पर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर आके इंटरवीन कर रहे हो, तो इसलिए दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से ये हमेशा डर्टी फ्लोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ आरबीआई की मैं बात करूंगा आपसे, तो आपको यहाँ से ये चीज देखना है कि जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ना आरबीआई का, वो ये है फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज करना एक्सचेंज रेट पे, इसका ऑब्जेक्टिव कभी भी इंटेंशन इसकी डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन नहीं होती है, आरबीआई की कभी भी इंटेंशन ये नहीं होती है, हमेशा इसका ऑब्जेक्टिव होता है फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज करना एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीस के बेसिस पे, ठीक है। देन कम्स योर जे कर्व इफेक्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जे कर्व इफेक्ट, ठीक है। जब हम इसकी बात करेंगे जे कर्व इफेक्ट की, तो यहाँ पे इसका ग्राफ होता है, एक साइड होता है ट्रेड बैलेंस दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दूसरी तरफ होता है आपका टाइम। बेसिकली इस ग्राफ में क्या होता है कि जैसी कोई भी कंट्री डीवैल्यूएशन करती है अपनी करेंसी का, तो सबसे पहले तो ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में जाता है। ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में जाने का मतलब है आपका इम्पोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, ठीक है। जबकि डीवैल्यूएशन में क्या होता है आपका एक्सपोर्ट इंक्रीजेस व्हाइल इम्पोर्ट नॉट मोर, एक्सपोर्ट इंक्रीजेस व्हाइल इम्पोर्ट डिक्रीजेस। डीवैल्यूएशन में क्या होता है, ये वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे वो कुछ टाइम पीरियड होगा, वैसे वैसे जैसे जैसे एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर ज्यादा मिलने लगेंगे, वैसे वैसे हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी एक्सपोर्ट विल एक्सीड इम्पोर्ट। समझ में आया आप लोगों को, दिस इज नोन एज जे कर्व इफेक्ट, ठीक है। इस जे कर्व इफेक्ट की वजह से डिवैल्यूएशन इज मच मोर इफेक्टिव देन डेप्रिसिएशन ड्यू टू दिस जे कर्व इफेक्ट एज इट विल एप्रिशिएट ऑटोमेटिकली। क्यों नहीं समझ में आया पॉइंट है, तो अच्छी बात है क्योंकि मैं अब दोबारा से समझाऊंगा इसको, ठीक है। देखो अगर डीवैल्यूएशन की जब बात करेंगे तो जे कर्व इफेक्ट की वजह से डीवैल्यूएशन ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है भाई, डीवैल्यूएशन अगर हमने करा तो हमें जे कर्व इफेक्ट की वजह से पता है कि ये अल्टीमेटली एप्रिशिएट ही तो होगा आगे जाके, ठीक है। तो हम उस हिसाब से अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी अपनी डिसाइड कर सकते हैं, बट
डी डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन में जो पूरा का पूरा चलता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलता है, हमें नहीं पता आगे आने वाले समय में अप्रिशिएट होगा या डेप्रिशिएट होगा या और ज्यादा डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। बट डीवैल्यूएशन में हमें जे का इफेक्ट की वजह से पता है कि इट इज 100% गोइंग टू अप्रिशिएट ओनली, डेप्रिसिएशन में टोटली डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, यानी मार्केट कंडीशन पे, मार्केट कंडीशन पे, ठीक है। बट डीवैल्यूएशन में इट इज 100% गोइंग टू अप्रिशिएट, ठीक है, चाहे कंट्री खुद रिवैल्यूएशन करे या ना करे, बट अप्रिसिएशन 100% होगा ही होगा डीवैल्यूएशन के बाद, ये हमारा जे कर्व इफेक्ट बोलता है, जे कर्व इफेक्ट बोलता है। समझ में आ गया जे कर्व इफेक्ट और उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। देन हमारे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम आते हैं, सबसे पहले इसमें आता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बाइलेटरल एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू अदर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर करेंसीज, ठीक है, मतलब यूएस डॉलर के रेस्पेक्ट में या पाउंड के रेस्पेक्ट में, येन के रेस्पेक्ट में, रेनमिनबी के रेस्पेक्ट में, यूरो के रेस्पेक्ट में, हमारे करेंसी की क्या वैल्यू है वो हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से मेजर करते हैं। सपोज एग्जांपल देके समझो इसको, ठीक है, एग्जांपल देके समझो कि 2004-5 में अगर नीर का मान हमने बेस रखा है 75, सॉरी 100, ठीक है, और जो हमारा नीर आया है 2015 2019 20 में, 2019 में वो 75 आया है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा रुपीज है वो 25% से डेप्रिशिएट हो गया है 2019 में, सीन्स 2004, सीन्स 2004 रुपीज डेप्रिशिएटेड बाय 25% सीन्स 2004, ठीक है। देन जो नीर हमारा आरबीआई के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, इसको दो टाइप है, सिक्स करेंसी इंडेक्स एंड 36 करेंसी इंडेक्स, ठीक है। सिक्स करेंसी में जो हमारी मोस्ट मेजर सिक्स करेंसीज होंगी ना, सिक्स मोर मेजर करेंसीज होंगी, वो मेजर उनके बेसिस पे होगा, इसमें 36 करेंसीज का हम इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सी करेंसीज है वो याद करने की बिल्कुल भी आपको नीड नहीं है, ठीक है, नीड नहीं है, डू नॉट मेमोराइज, मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय आरबीआई। देन रीर क्या होता है, रीर इज सेम एज नीर ओनली, रीर क्या है आपका, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, ठीक है। अगर मैंने रीर 2004-5 का 100 रखा है और जो 2019 में वैल्यू आई है, 2019 में रीर की वैल्यू कैलकुलेट आरबीआई ने 110 करी है, दैट मींस इन्फ्लेशन इज 10% एज कंपेयर टू 2004-5, इन्फ्लेशन इज 10%, तो इसको इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रियल इफेक्टिव में हमेशा याद रखना, हम इन्फ्लेशन के बेसिस पे नीर को एडजस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन के बेस पे हम हमेशा मतलब जो भी हमारी जो वैल्यू है उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला है उसका, वो आपका नीड नहीं है, उसको आप स्किप करो, फॉर्मूले की बिल्कुल भी नीड नहीं है आपको, ठीक है, वो इकोनॉमिक ऑप्शनल वाले पढ़ेंगे, वो कौन पढ़ेगा आपका, इकोनॉमिक ऑप्शनल वाले पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट याद रखना, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हमेशा हम अपनी करेंसी का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, मीन मतलब जो भी होता है वो, कि डॉलर की वैल्यू प्लस यूरो की वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस दिस देन दिस अपॉन दिस करके, ज्योमेट्रिक मीन का जो भी फॉर्मूला होता है ना वो बेसिकली हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो हमारा काम नहीं है जानना, हमारा काम है नीर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, और ये एग्जाम्पल देके, बस ये एग्जाम्पल याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। देन नीर में, रीर में हम इन्फ्लेशन पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अगर रीर 2005-4-5 का 100 है तो, और रीर 110 आया है तो हमेशा इसका मतलब है आपका 10% का इन्फ्लेशन होता है। देन कन्वर्टिबिलिटी की बात करेंगे, दो टाइप की करंट कन्वर्टिबिलिटी रहेंगी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है ना, उसमें क्या होता है, जो करंट ट्रेड होती है, जो करंट अकाउंट ट्रेड होती है, मतलब ट्रेड इन यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, इनसे जितना भी हमारा एक्सचेंज आ रहा है हम उसको इंडिया में आके
कन्वर्ट कर सकें, मतलब डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर सकें और रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर सकें। मतलब ये जो सपोज मेरा जो वो आया है वो $100 आया है, तो दैट मीन्स अगर हमारे पास करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, हम तो $100 को पूरा का पूरा रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और 60,000 रुपये हमें यहाँ से मिल जाएंगे। सिमिलर गोज फॉर रुपीज ऑल्सो, रुपीज टू डॉलर, ठीक है, रुपीज टू डॉलर, ठीक है। दिस इज नोन एज करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, वाइल द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल फ्लो, ठीक है। दैट इज योर फॉरन एक्सचेंज, दैट इज योर फॉरन एक्सचेंज, ठीक है, दैट इज योर फॉरन एक्सचेंज, then that is your NRI deposits, then that is your external commercial borrowings, then your change in assets, right, then your foreign assistance, foreign assistance, right. So is basis pe jitna bhi hamara conversion, matlab conversion ek currency ko dusri currency mein convert karna, this is known as your कन्वर्टिबिलिटी। तो जो करंट अकाउंट के रेस्पेक्ट में कन्वर्जन होते हैं वो होते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, जो कैपिटल अकाउंट के रेस्पेक्ट में होते हैं वो होते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। 1992-93 में हम लोग यूज करते थे फिक्स्ड, 92 से पहले हम यूज करते थे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, 1992-93 के बजट में हमने इसको लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करा। लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है, इसमें जो 40% फॉरेक्स है वो कन्वर्ट होगा ऑफिशियली डिटरमाइंड रेट पे, मतलब जो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है, ठीक है। और जो 60% है, 60% वो होगा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, मतलब ये तो रहेगा 40% फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बेसिस पे और 60% रहेगा आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के सिस्टम पे, ठीक है। देन 1993-94 के बजट में LERMS को मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम के, जो अभी हमने पढ़ा जिसको हम डर्टी फ्लोट भी बोलते हैं, उसके बेस उसके उसमें कन्वर्ट कर लिया। अगस्त 1994 में हमने करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि ये आर्टिकल जो हमने IMF से बेल आउट लोन लिया था ना, IMF से जो हमने 1991 में बेल आउट लोन लिया था, ठीक है, उसकी उसके आर्टिकल 8 के तहत हमें करंट अकाउंट एंड कन्वर्टिबिलिटी अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करनी थी, ये याद रखना आर्टिकल 8 के तहत, ठीक है। देन देयर इज अ तारापुर कमेटी जो कन्वर्टिबिलिटी से एसोसिएटेड है, SS तारापुर, ठीक है, SS तारापुर, इसकी रिकमेंडेशंस आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नीड नहीं है बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको नोट्स में ऐड कर दूंगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोग उनकी रिकमेंडेशन से गो थ्रू होना और कोई डाउट होगा तो हम उसको संडे को डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देन करंटली हमारी कंट्री में क्या है, करंटली हमारी कंट्री में है कि जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो 100% है, मतलब 100% आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पे 100% कन्वर्ट कर सकते हो, वाइल जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो हमारी पार्शियल है, मतलब अभी हमारी 100% नहीं है, वो 100% नहीं है, 100% नहीं है। Why कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रिजर्व से एसोसिएटेड है। भाई अगर हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लाएंगे तो अगर किसी इन्वेस्टर ने हमारी कंट्री में $100 इन्वेस्ट करे, दो दिन बाद उसको सपना आया कि श्रीलंका में कर देते, तो वो $100 एकदम से बाहर निकाल लेगा कंट्री से। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन उससे क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पूरी की पूरी हिल जाएगी। यही हुआ था हमारा 1999 में जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया क्राइसिस हुए थे ना, वो यही हुआ था कि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा पूरा का पूरा निकाल लिया था। इसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ करेंसी, ठीक है। तो आप लोग इतना हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। नोट्स में मैंने और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए अपडेट कर दिया है, आप लोग नोट से गो थ्रू होना और कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट कर देना या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू अपने डाउट रेस कर देना, वो हम संडे को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मुझे पता है आप लोगों को इसमें डाउट आएंगे, तो जो भी डाउट्स आए आप लोग गूगल फॉर्म के थ्रू अपडेट कर देना। थैंक यू वेरी मच।